हे डैड चंगी तरह खेड़ी चैंप एनी डाउट किड़ा खेड़ी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुके दाग ले है सर्फ एक्सेल मैटिक हुन नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विची एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक हरियाणा सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में अब दीपावली भी आने वाली है तथा बड़ी संख्या में लोगों के पटाखे जलाने से प्रदूषण भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में स्कूली बच्चों ने प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए भिवानी में प्रदूषण मुक्त दीपावली को लेकर शहर के विभिन्न चौराहों पर बैनर पंपलेट लेकर राहगीरों को पटाखा रहित दीपावली मनाने के लिए अभियान चलाया ताकि ग्लोबल वार्मिंग एवं भयावह प्रदूषण से बचा जा सके। दीपावली पर्व को खुशियों सुख समृद्धि व आपसी भाईचारे के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इससे हमारी परंपरा व संस्कृति आगे बढ़ती है। ऐसे में अनार रॉकेट चक्री बम जैसे पटाखे न केवल वायु प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण का कारक भी बनते हैं। भिवानी के स्कूली बच्चों ने आज शहर के विभिन्न चौराहों पर एकत्रित होकर हाथों में बैनर लेकर पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए पटाखा मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया तथा आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर उन्हें प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए पंपलेट बांटकर प्रेरित किया और इको फ्रेंडली मनाने की बात कही। स्कूली छात्राओं सुमन आहना पीहू मनीषा ने बताया कि दीपावली को हमें दीपक जलाकर भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुसार बेहतर तरीके से हम इसे मना सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण से बचना चाहिए। प्रदूषण से बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विशेषकर अस्वस्थ व्यक्तियों को दीपावली के दिनों में काफी परेशानी होती है। ऐसे में पटाखे जलाने वाली गलत परंपरा को त्यागने का समय आ गया है। हमें दीपावली घी के दीपक जलाकर वे पूजा पाठ वे आपस में मिठाई बांटकर दीपावली मनानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संदेश भी दिया। मैं यहाँ बच्चों के साथ मिलकर ये जन जन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस दिवाली आप पटाखे का प्रयोग न करें, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। IQ जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण सांस लेने में और काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिनसे जन जन ही नहीं जबकि जानवर भी उससे ग्रसित हो रहे हैं। कि मैं चाहती हूँ कि इस पोल्यूशन को कम करें। पोल्यूशन कम करने के लिए आप पर्यावरण में पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को कंट्रोल में किया जा सकता है। हम आज ये संदेश दे रहे हैं कि हमें इस दिवाली पटाखे नहीं जलाने हैं और पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। और हम आने जाने वाले लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि से नो टू क्रैकर्स इन दिस दिवाली। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी हमें दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फट चुका है, जिसके कारण हमें एयर से रिलेटेड सांस लेने में मुश्किल होती है। तो हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और हम जगह जगह चौक पर जाके भिवानी शहर के चौक में जाके जगह जगह संदेश देते हैं कि हमें पटाखों से पटाखे रहित हमें दिवाली बनानी चाहिए। हमारी हम इस दिवाली पे अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं कि हमें पटाखे वगैरह न फोड़ के दीप जला के दिवाली बनानी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को स्वच्छ बनाना चाहिए और पोल्यूशन कम होए। इसीलिए हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें दिवाली पे पटाखे ना बजाने, पोल्यूशन नहीं करना, अपने दियों से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करना है।